नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं शरद बाघेला। बात करते हैं रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल का आज जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर एनएसयूआई कुछ देर बाद हाफ मैराथन का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मैराथन में शामिल होंगे। कुपोषण के खिलाफ एनएसयूआई का हल्ला बोल दिया गया मैराथन का नाम, और सीएम थीम से शुरू होकर कलेक्ट्रेट तक पहुंचेगी और वहां से वापस आते हुए सीएम हाउस आकर मैराथन समाप्त होगी। आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने अपने जन्मदिन के मौके पर राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते का तोहफा दिया। यह महंगाई भत्ता अगले साल 1 जनवरी से दिया जाएगा। कर्मचारियों और पेंशनरों को सातवें वेतनमान के 3% और छठे वेतनमान में 6% अतिरिक्त महंगाई भत्ते का आदेश मंत्रालय से जारी कर दिया गया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से लाइव हेमंत शर्मा। हेमंत, जसरा आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन है और ऐसे में एनएसयूआई एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है जिसमें उन्होंने मैराथन शुरू होने वाली है, तो क्या कुछ थीम मैराथन का रखा गया है और साथ में कब से ये शुरू होने वाली है और क्या कुछ आज खास तैयारी की गई है रायपुर में? शरद, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो जन्मदिन है वो सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में उनकी जो माता है विंदेश्वरी बघेल, उनका निधन हुआ है। इसी वजह से कोई बड़ा आयोजन यहाँ पर नहीं किया गया है, लेकिन एनएसयूआई ने हाफ मैराथन का आयोजन यहाँ पर किया है। कुछ देर बाद इस मैराथन का जो आयोजन है वो शुरू होगा। यहाँ से शुरू सीएम हाउस से शुरू होकर ये यहाँ कलेक्टर चौक होते हुए वापस भगत सिंह चौक हुए सीएम हाउस में आकर समापन होगा। और तमाम जो स्कूली बच्चे हैं, इसके अलावा एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि एनएसयूआई का ये आयोजन है। और ये तरीके से इसको देखा जाए तो कुपोषण के खिलाफ एनएसयूआई का हल्ला बोल इसे थीम दिया गया है। मोहन मरकाम जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जन्मदिन मना रहे हैं मुख्यमंत्री जी, क्योंकि माता जी का निधन हुआ है। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का आज जन्मदिवस है। सबसे पहले तो मैं जन्मदिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी अपने जन्मदिवस को शांतिपूर्ण ढंग से सादगी के साथ मनाना चाह रहे हैं। और वो आज जो छत्तीसगढ़ में जो जंग हम लड़ रहे हैं कुपोषण के विरुद्ध, आज बच्चों के द्वारा मेरा का आयोजित की जा रही है और हम देना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में कुपोषण के विरुद्ध जंग लड़ने के लिए। सरकार भी प्रयास कर रही है, हमारे संस्थाएं भी काम कर रही है, तो हम कुपोषण से यहाँ से छत्तीसगढ़ से दूर भगाना चाह रहे हैं। भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। थीम कुपोषण के खिलाफ हल्ला बोल इसे दिया गया है, एक तरह से कुपोषण की लड़ाई सरकार लड़ रही है। ये पूरे छत्तीसगढ़ में जो कुपोषण की मात्रा है पिछले वर्षों में उसमें कमी आने की जगह वृद्धि हुई है। ये हम लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज है कुपोषण की लड़ाई, और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी कुपोषण के खिलाफ उन वर्किंग कर रहे हैं और उनका ये सोच है आने वाले सालों में कुपोषण पूरी तरह हमारे राज्य से खत्म करना है, उस बात को मजबूत करने के लिए, चूंकि ये सामाजिक बुराई कह सकते हैं, इसमें समाज के सभी वर्गों को जुड़ने की आवश्यकता है, तो इस मैराथन के माध्यम से समाज को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि सब लोग अपने अपने स्तर पर कुपोषण के खिलाफ लड़ें, कुपोषण के खिलाफ रहें, और जहां जहां पर जिन जिन परिवारों को सहयोग कर सकते हैं वो आगे से भी सरकार के अलावा भी सहयोग करें। तो शरद, लगातार जो कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इसके अलावा बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार जो आयोजन में है वो शामिल हो रहे हैं। शरद, क्या लगता है, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि आज ऐसा भी संकट लिया गया था सीएम भूपेश बघेल के द्वारा कि वो गरीबों को चना भी बांटेंगे, तो क्या सीएम हाउस में इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? शरद, आवाज आपकी नहीं मिल पा रही है। जिस तरह बात की गई थी, जैसे आपने बताया कि भूपेश बघेल की माता का भी हाल ही में उनका निधन हुआ, तो उसके चलते वो उन्होंने ये संकल्प लिया था, उन्होंने निर्णय लिया था कि आज के दिन यानी जन्मदिवस के दिन वो
गरीबों को चना बांटेंगे, तो क्या वो चना बांटने की जिम्मेदारी है? साथ में हम डीए की भी बात करें, कर्मचारियों अधिकारी को डीए दिया गया, तो उसके लेकर क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? और हाँ देखिए, निश्चित तौर पर मैंने पहले ही बताया कि मुख्यमंत्री की माता का निधन हो गया, इसी वजह से कोई बड़ा आयोजन उनके जन्मदिन पर नहीं हो रहा है। वो सीएम हाउस में ही जो आम लोग हैं उनसे शांतिपूर्ण तरीके से मुलाकात करेंगे। हालांकि आज कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए आज चना वितरण का जो शुभारंभ है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बस्तर अंचल के लिए करीब 10 ट्रक चना जो है उसमें सवार रहेगी, उसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो ये ऐसा कार्यक्रम उनका रहेगा। हालांकि कोई विशेष आयोजन नहीं किया गया है सीएम हाउस द्वारा, लेकिन अलग अलग जो कांग्रेस के नेता हैं उनके द्वारा हवन पूजन और भंडारे का भी आयोजन मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर किया गया है। कर्मचारी की बात करें, पेंशनर की बात करें, तो उनका डीए बढ़ा दिया गया और ये जनवरी से उनको मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में कर्मचारी में किस तरह का देखने को मिला? क्या कर्मचारी इससे खुश है? उन्हें और भी इससे ज्यादा डिमांड थी? हाँ देखिए, दो दिन पहले इसी बात को लेकर जो तमाम यहाँ पर कर्मचारी फेडरेशन है वो एक तरीके से आक्रोशित था, लेकिन अपने जन्मदिन के मौके पर ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक तरीके से उनको तोहफा दिया है। इसके बाद से जो तमाम कर्मचारी संगठन है वो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। एक कर्मचारी नेता है जो विजय झा, उनसे हमारी बातचीत हुई थी, वो भी काफी खुश है, क्योंकि उनका कहना था कि काफी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता था, जो डीए है वो नहीं बढ़ रहा था, लेकिन एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक सौगात को दिए, जिसके बाद पूरे कर्मचारी संगठन काफी खुश है। एक दृश्य दिखाना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि आप एक वहाँ का दृश्य दिखाया करके, ऐसा माहौल वहाँ पर देखने को मिल रहा है और साथ में कितना उत्साह उन बच्चों में जो आज हल्ला बोल नाम के इस थीम के लिए ऐसा इकट्ठा हुए हैं। देखिए निश्चित तौर पर पीछे एक दृश्य दिखाने मैं जरूर चाहूंगा, कैमरामैन को बोलूंगा कि काफी बड़ी संख्या में जो स्कूली बच्चे हैं, अलग अलग स्कूल, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, सभी स्कूल के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बच्चों को उत्साहित करने के लिए यहाँ पर प्रमोद दुबे भी बच्चों को संबोधित भी कर रहे थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि यह पूरा कार्यक्रम एनएसयूआई का ही है, इसलिए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के यहाँ पर भीड़ काफी देखी जा रही है। बड़ी संख्या में जो छात्राएं हैं वो भी इस दौड़ में शामिल है। कुछ देर बाद इस दौड़ का जो आयोजन है वो शुरू होगा, सीएम हाउस से शुरू होकर कलेक्ट्रेट चौक और भगत सिंह चौक होते हुए फिर सीएम हाउस में इसका समापन होगा। कि एक माहौल देखने को मिल रहा है जबरदस्त तरीके से, और सीएम भूपेश बघेल का जन्मदिन मनाया रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद इस जानकारी को साझा करने के लिए। कि आज सादगी के साथ सीएम भूपेश बघेल ने जन्मदिन मनाने का फैसला लिया और तकरीबन 10 ट्रक हैं जिसमें चना भरकर आया और वहां जो लोग उनसे मिलने आएंगे उनको चना वितरण किया जाएगा अपने जन्मदिन के मौके पर। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज जन्मदिन है और उन्होंने अपना जन्मदिन सादगी से मनाने का फैसला लिया है और सीएम भूपेश बघेल ने पहले ही कह दिया था कि हाल ही में उनकी माताजी का निधन हुआ, इसलिए वो अपना जन्मदिन इस साल नहीं मनाएंगे। हालांकि जन्मदिन के मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में गरीबों को पौष्टिक चना बांटने सहित कई आयोजन किए हैं। इस बीच जन्मदिन से इन पहले सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता को एक बड़ा तोहफा दिया है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते की किस्त मंजूर कर दी है, यानी बीते 22 अगस्त की देर शाम छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से यह निर्णय सार्वजनिक किया गया।